आप देख रहे हैं ब्रजभूमि न्यूज, ब्रज की सांस्कृतिक विरासत के दर्शन का माध्यम ब्रजभूमि न्यूज। हमारा ये कहना है कि धर्म का कोई दर्जा नहीं होता है, धर्म एक ही होता है। और यदि कोई धर्मांतरण करता है तो उस हालत में उसको धर्म का दूसरा पर्याय देना होगा। धर्म शब्द से केवल वही कहा जा सकता है जो पहले से चला आया है। तो अब कोई नए ढंग से अपने ही धर्म का कोई दूसरा नाम या दूसरा दर्जा देना चाहे तो ये अधिकार किसी को नहीं। देखिए महाराज जी, उन्होंने तो अभी चुनाव होने वाले हैं इसलिए एक ऑर्डिनेंस पास कर दिया, केंद्र को भेज दिया। अगर इस तरीके से हिंदू धर्म बहुत सारे धर्मों में बढ़ जाएगा तो फिर हिंदू धर्म का तो अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। हमारा ये कहना है कि धर्म के कई विभाग हो ही नहीं सकते, जाति के विभाग हो सकते हैं। हिंदू धर्म में अनेकों जातियां हैं लेकिन वो जातियां सब मिलकर एक ही हैं। हम अनेकता में एकता को देखने वाले हैं। और ये जो राजनीतिक पहल है ये आरक्षण के लिए हो सकती है, तो चूँकि जो लिंगायत हैं वो गरीब हैं नहीं और उनको आरक्षण चाहिए, इसलिए ये उनकी नीति है कि जिससे कि वो अपने को अलग धर्म करके अल्पसंख्यक बनना चाहते हैं। तो जो उनके संस्थापक हैं संप्रदाय के, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि हमारा दर्जा अलग है। और दूसरी चीज़ ये है कि वो लिंगायत अपने को कहते हैं, लिंग की पूजा करते ही हैं और आगम को मानते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि केदारनाथ में जो रावल है वो लिंगायत होता है। तो अगर वो अपने आप को हिंदू कहते हैं और ये कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं तो उस हालत में उनको रावल फिर भी नहीं रहना चाहिए, फिर हमारे मंदिरों से हट जाना चाहिए। तो केवल आरक्षण या राजनीतिक लाभ के लिए आप हिंदू धर्म से अपने को अलग कर रहे हैं, ये तर्कसंगत नहीं है। जैसे आप केदारनाथ का बोल रहे हैं कि वहाँ पर वो पूजा करते हैं, ऐसे ही उन्होंने सोमनाथ में भी मांग की थी। तो एक तरफ तो ये मांग कर रहे हैं कि हिंदू के जो मंदिर है वहाँ पे ये लोग पूजा करें और दूसरी तरफ अलग समुदाय की भी बात कर रहे हैं, तो इससे तो ये एकदम राजनीतिक लोगों की ये चाल है। और इससे क्या होता है कि जो हमारा भारत है उसकी एकता का आधार धर्म ही तो है। आप देखिए, जब हमारे भारत के राष्ट्रपति संजीवा रेड्डी थे तो उन्होंने नेपाल में जाकर कहा था कि नेपाल और भारत की एकता तब तक रहेगी जब तक कि पशुपतिनाथ और रामेश्वर रहेंगे। और अभी भारत के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं मोदी, वो जब नेपाल गए थे तो उन्होंने ये कहा था कि भारत की और नेपाल की एकता तब तक रहेगी जब तक कि पशुपतिनाथ और विश्वनाथ रहेंगे। तो आज पूरा भारत यदि एक है तो वो हमारे धर्म के आधार पर एक है। उसको अगर दर्जे के आधार पर आप अलग करेंगे तो देश की एकता विखंडित होगी और ये नवे ढंग से नहीं की जा सकती। हमारे धर्म में संप्रदाय अनेक हैं, उपासना की पद्धति अनेक है, लेकिन धर्म एक है। सर, अभी जैसे ये पॉलिटिकल लोग चुनाव में अपना थोड़ा सा फायदा के लिए हमारे देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या आप सारे धर्म गुरु लोग एक होकर इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे? आप ये समझिए कि जो जिससे आप बात कर रहे हैं वो दो पीठ का शंकराचार्य है और दूसरे दो पीठ जो हैं वो हमसे अलग नहीं हैं। हम लोग चारों एक मत हैं और एक ने जो कहा वो सबका कथन है, इसलिए अलग से आप इसको मत रखिए। अगर आप अलग रखेंगे तो जो बात हम कह रहे हैं वो व्यर्थ जाएगी और फिर हमसे मत पूछिए आप।
क्योंकि जब हमने कह दिया तो हम आधिकारिक रूप से बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ धर्म का दर्जा नहीं होता, धर्म एक ही होता है। और अगर वो अपने आप को कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं तो धर्म का शब्द दूसरी चीज लाइए, जैसे मुसलमानों के पास धर्म का पर्याय है मजहब और ईसाइयों के पास है धर्म का पर्याय रिलीजन, इसी तरह से आप धर्म का कोई पर्याय लाइए। लेकिन आप धर्म को जब धर्म ही कहते हैं तो उसमें दर्जा कैसे अलग हो सकता है, बात यह है। केंद्र सरकार से आप कुछ कहोगे कि भाई इसको पास ना किया जाए जो इन्होंने भेजा हुआ है? वो तो ऐसा है कि धर्म की बात जो है धर्माचारी ही बताएंगे और धर्माचारी बता रहा है, हो गया। महाराज जी, जब ये लिंगायत को घोषित किया रिजर्वेशन के लिए, उसी समय विश्वेश्वरैया और लिंगायत में झगड़े झड़प हुए, तो इसको जो आप किस प्रकार से देखते हैं कि वर्ग संघर्ष हिंदुओं में परस्पर होगा या एक और जातिवादी एक स्वरूप लेगा? ऐसा है कि ये सारे के सारे झगड़े आज के राजनीतिक लोग करा रहे हैं। एक तरफ से तो ये कहते हैं कि हम जाति मिटाएंगे, लेकिन टिकट देते समय जाति देखते हैं, वोट देते समय जाति देखते हैं, तो जाति को तो यही लोग बिगाड़ रहे हैं और उसको उसका जो उद्देश्य है वो खराब कर रहे हैं। हमारे यहाँ जो जाति थी वो अनुशासन के लिए थी कि लोग उसके आधार पर अनुशासित रहें, धर्म का पालन करें। देश के विभाजन के लिए या समाज में विघटन के लिए जातियाँ नहीं थी, लेकिन आज राजनीतिक लोग विघटन कर रहे हैं उस जाति के आधार पर। ये जातिवाद है, जाति व्यवस्था नहीं है। महाराज जी, लिंगायतों का एक वाक्य मैंने सुना था जब आंदोलन कर रहे थे कि हमारी 900 साल पुरानी ये मांग पूरी हुई, मतलब रिजर्वेशन या अल्पसंख्यक के दर्जा। तो ऐसा 900 साल पहले कहाँ कौन सी मांग थी? जो आपके संस्थापक थे वो ब्राह्मण थे और उनका जनेऊ लोगों ने किसी कारण से छीन लिया था, तो उन्होंने एक नया संप्रदाय गठित कर दिया, कोशिश की कि सब जातियाँ एक हो जाएं, लेकिन नहीं हो पाई, एक जाति के रूप में रह गए। तो जाति आपने बना ली, लेकिन धर्म थोड़ी आपने बनाया, क्योंकि अगर आप धर्म को बदलते तो लिंगायत ना होते, लिंग की पूजा फिर कैसे करते आप? क्योंकि आपने कोई नई बात तो नहीं कही, लिंग की पूजा तो पहले से चली आ रही है। उसी को पकड़ा और ये कहा कि अब भाई जनेऊ पहनने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका जनेऊ छीन नहीं लिया गया था। तो ये सब उस समय की बात थी, ना कोई इसके रिजर्वेशन की बात थी, ना ये समस्या ही थी, क्योंकि जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, संविधान बना है, अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक की बात तभी से खड़ी हुई है, तो उसकी पुरानी बात कहाँ है? ये कहा तो हमारा ये भी जाता कि अल्पसंख्यक शब्द ही नहीं, ये गढ़ा गया है। तो स्वाभाविक है, अल्पसंख्यक जो है इसका कहने का कोई अर्थ ही नहीं है। हम लोगों के यहाँ सारा भारत एक है, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक का भेद करना ये भी विघटन है। महाराज जी, इसका प्रभाव कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में पड़ेगा? ऐसा है कि इसका प्रभाव पड़े ना पड़े इससे कोई हमारा लेन देन नहीं है। हम लोग किसी पार्टी के पक्षपाती नहीं हैं, ना किसी के समर्थक हैं, और हमारे इस वक्तव्य को किसी पार्टी के समर्थन या विरोध में ना लिया जाए। हम ये चाहते हैं कि हम एक धर्माचारी हैं और धर्माचारी की बात धर्माचारी के रूप में देखी जाए। जब जब भारत पे इस तरीके का संकट आया, धर्माचारियों ने आगे आके अपनी पहल की है और देश में एकता बनाए रखी है, तो अभी जब कल ये जब विधान मंत्रिमंडल में पास हुआ कैबिनेट में, उसके बाद कुछ जगह तो लिंगायत समुदाय के लोगों ने खुशियां मनाई, लेकिन कुछ जगह पे विरोध तो ये है कि अभी आप देखिए, हम लोग कोशिश करेंगे कि रावण पद से लिंगायतों को हटाया जाए उत्तराखंड में, तब पता लगेगा उनको कि हमने अपने आप को अपने अलग जब बताया है तो हम में क्यों घुसते हो, तो खुद ही उनको परेशानी हो जाएगी। महाराज जी, तो लिंगायतों का एक मोटे तौर पर माने कि कितनी देश के मंदिरों पे पुजारी के रूप में, जैसे गोस्वामी शिवालय में है, कितने होंगे? गोस्वामी जो हैं वो तो अपने आप को हिंदू कहते हैं, तो शिव निर्माल खाने के अधिकारी हैं वो लोग, तो उनको तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा। आप भी अगर अपने को हिंदू कहते हैं तो आप भी निर्माल खाइए, लेकिन जब आप कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं और हम वेद को नहीं मानते हैं,
तो केदारनाथ की पूजा तो वेद मंत्रों से होती है, अभिषेक होता है, तो फिर आप वहाँ के रावण कैसे बनते हैं, हटिए वहाँ से। तो एक तरफ से आप तो राजनीतिक लाभ लेने के लिए हिंदुओं से अलग होते हैं और दूसरी तरफ लाभ लेने के लिए आप रावण बनते हैं, ये कैसे हो सकता है। दरंगी छोड़ दे एक रंग हो जा, सरासर मोम हो या संग हो जा। मुक्ति कहे गोपाल सोंप, मेरी मुक्ति बताए, ब्रज रज उड़ मस्तक लगे, मुक्ति मुक्त है जाए। चारों धामों से निराला ब्रज धाम और उसकी विरासत, संस्कृति, खान पान, रहन सहन का जीवंत माध्यम ब्रज भूमि न्यूज यूट्यूब पर, जहां नित्य ठाकुर दर्शन, संत महंतों के आशीष वचन, भावपूर्ण भजन, ठाकुर रासलीला के नित्य दर्शन, आध्यात्म पर चर्चा और आपकी जिज्ञासा के उत्तर, साथ ही मुख्य मुख्य आयोजनों का सीधा प्रसारण YouTube चैनल के माध्यम से। आप जुड़ें ब्रजभूमि न्यूज से और ज्यादा से ज्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आनंद लें ब्रजभूमि न्यूज का। प्यारा